बच्चों पार्ट कर चले हम फिदा, जो कैफी आजमी द्वारा लिखा गया, इसका पार्ट टू, इसके क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ। वन में मैंने 5 क्वेश्चन बनाए हैं, एनसीईआरटी के हैं, कुछ चैप्टर की अकॉर्डिंग, इसका अर्थ समझने के लिए, पूरे चैप्टर की समरी समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत कर रहा है, या सर पर कफन बांधना मुहावरे का अर्थ क्या है, ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन को, दो दो तीन तीन तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आपको इस पंक्ति का अर्थ आता होगा, तो आप इजीली इसका क्या कर लेंगे, इसका मीन्स बता देंगे। तो सर पर कफन बांधना अर्थात देश के लिए मर मिटने की मानसिकता को बताता है, कि आपके मन में देश के लिए मर मिटने की भावना है। यह गीत शत्रुओं से रणभूमि में लड़ने की ओर संकेत करता है। अगला क्वेश्चन है, जमीन पर खून की लकीर खींचने का क्या अर्थ है, खींच दो अपने खून से जमीन पर लगी, ये पंक्ति थी ना, कवि ने दुश्मनों के लिए, कवि ने क्या उपमा दी है, दो क्वेश्चन एक साथ पूछे गए हैं आपसे। तो जमीन पर खून से लकीर खींचने का अर्थ है शत्रुओं या दुश्मनों के लिए सीमा रेखा निर्धारित कर देना, कि आप इस सीमा से इधर नहीं आ सकते, ये बॉर्डर मेरे देश का है, तो उसके लिए सीमा निर्धारित कर देना, जमीन पर खून से लकीर खींचने का मतलब है। और दुश्मनों के लिए कवि ने रावण की उपमा की है, कि दुश्मन रावण है और तुम्हें राम और लक्ष्मण बन के भारत जो भूमि है, सीता रूपी हमारी माता है, इसकी आपने रक्षा करनी है। ये पौराणिक नाम है, कुछ हमारे ग्रंथों के नाम है जिसका कवि ने इसमें प्रयोग किया है। कर चले हम फिदा, शीर्षक की सार्थकता, जो ये वाक्य कहा है कि कर चले हम फिदा, इस कविता का नाम लिखा है, क्या ये सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। क्यों? ये कविता देश पर जान न्यौछावर करने वाले सैनिकों के हृदय की आवाज़ को बयान करती है, कि उनके दिल में क्या भावना है, जिन्हें अपने कर्म पर नाज है तथा आने वाली पीढ़ी को कुछ से उनसे कुछ अपेक्षाएं हैं, कुछ उनके प्रति उनके भी मन में उनके लिए भी कुछ है बातें, कि ये वीर सैनिक भी हमारी तरह हमारे देश की रक्षा करें, कुछ अपेक्षाएं हैं उनकी। कैफी आजमी ने इस काफले को आगे बढ़ने की बात कही है कविता में। कवि ने देश के लिए प्राणों का बलिदान देने वाले काफिले को आगे बढ़ने की बात कही है। कैसा काफिला आगे बढ़ना चाहिए? जो देश के लिए अपने प्राण दे सके। इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? तो इस जिस तरह दुल्हन को बच्चों लाल जोड़े में सजाया जाता है, उसी तरह आज भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर धरती को खून, धरती को खून के लाल रंग से सजा दिया है, इसलिए इस गीत में धरती को दुल्हन कहा है। आज धरती दुल्हन बन गई है, वो भी सैनिकों के खून से लाल हो गई है एक दुल्हन की तरह। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किसका प्रतीक है? तो हिमालय भारत के मान सम्मान का प्रतीक है। भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर देश के मान सम्मान को सुरक्षित रखा है। कर चले हम फिदा गीत में, कर चले हम फिदा गीत में देशवासियों के लिए निहित प्रेरणा को अपने शब्दों में लिखिए। क्या संदेश देती है, क्या सीख देती है, क्या उद्देश्य है? कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन की लय बदल के आंसर यही लिखना है। कर चले हम फिदा कविता देश के सैनिकों की देशभक्ति की भावना को दर्शाती है। यह कविता, इस कविता के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि युद्ध करने वाले सैनिक अपने देश के मान सम्मान की रक्षा से कभी पीछे नहीं हटते। वे अपनी जान की बाजी लगाकर हमेशा भारत माता की रक्षा करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। साथ ही वे आने वाली पीढ़ियों से अपेक्षा यानी उम्मीद रखते हैं कि वे भी शहीद होने के बाद, उनके शहीद होने के बाद देश के सैनिकों का, देश के शत्रुओं का सैनिक बनकर डटकर मुकाबला करें, चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां, कितनी भी कठिनाइयों का सामना उन्हें क्यों ना करना पड़े, वो फिर भी देश की रक्षा के लिए अपना प्रयास करें, क्योंकि देश पर जान देने का मौका बार बार सभी को नहीं मिलता।